हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। आज आई हूँ मैं एक रेसिपी की वीडियो लेके। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम के लड्डू। और आम के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये दो आम, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप आम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आम हमारे बिल्कुल पके हुए होने चाहिए, बिल्कुल मीठा आम होना चाहिए। आम आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ये वाले लिए हैं, आप कोई भी आम ले सकते हैं, लेकिन आम अच्छे से पका हुआ और मीठा आम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की ओर। हम सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश करके, इसको छील के और इसका जो पल्प है उसको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आम को हमने अच्छे से वॉश करके इसको इस तरीके से छिल के रख लिया है। अब हम इसका पल्प निकालेंगे और पल्प को निकाल के उसको हम ग्राइंड करेंगे, मिक्सी जार में पीस लेंगे, अच्छे से स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, आम का पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे, इसे मिक्सी जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे, इसकी अच्छे सी पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, हमने आम के पल्प की ये स्मूथ सी पेस्ट बना के रेडी कर ली है, और साथ में हमने लिया है जो कोकोनट पाउडर, और साथ में हमने लिया है जो मिल्क पाउडर। तो अब हम इन तीनों से बनाएंगे आम के लड्डू। हमें ये तीन चीज़ें चाहिए आम के लड्डू बनाने के लिए, और इसमें एक चीनी डलेगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की ओर। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और देखिएगा कैसे हम बनाते हैं आम के लड्डू। फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो गया है गरम, हमने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था और हमारा ऑयल हो गया है गरम। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर और इसे अच्छे से चलाते हुए। फ्रेंड्स, हमने एक मिनट के लिए कोकोनट पाउडर को रोस्ट किया है, इसको हमने हल्का सा रेड कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और इसे भी एक मिनट के लिए चलाएंगे। फ्रेंड्स, हमने मिल्क पाउडर को भी मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे आम का पल्प और इसे भी चलाएंगे डालकर। हमने कोकोनट पाउडर और मिल्क पाउडर और आम के पल्प को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे चाशनी, जिसमें हमने शुगर को डालकर चाशनी बना रखी है, पानी में डालकर बॉयल करके, तो उसको हम इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, चाशनी डालने के बाद हम इसे चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ दे और डो की तरह एक साथ इकट्ठा ना हो जाए, जब इसके लड्डू ना बनने लग जाए। तब तक हम इसे चलाते हुए ऐसे ही पकाते रहेंगे मीडियम आंच पर। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रश किए हुए बादाम और इसे भी चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा लड्डू बनाने का जो मिश्रण है वो रेडी हो गया है। इसने इस चारों तरफ से घी भी रिलीज कर दिया है और ये कढ़ाई में भी भागने लगा है, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने लड्डू के मिश्रण को एक बर्तन में निकाल के रख लिया है। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको ठंडा होने के लिए। फ्रेंड्स, हमारा लड्डू का जो मिश्रण बनकर हो गया है बिल्कुल ठंडा। अब हम इसके बनाते हैं लड्डू। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और उसको लड्डू की शेप में बना लेंगे। आपको जिस भी साइज़ का लड्डू बनाना है, बड़ा छोटा, उस तरीके से आप बना सकते हैं। हम इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे, और देखिए फ्रेंड्स, लड्डू पर क्या शाइनिंग आई है, कितनी ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है ये लड्डू। तो इसी तरीके से हम बनाकर रेडी कर लेते हैं सभी को। फ्रेंड्स, हमारे लड्डू बनके हो गए हैं रेडी, और हमने कर लिया है इनको डेकोरेट। और देखिए, ये देखने में जितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं ना, ये खाने में भी उतने ही ज़्यादा यम्मी है। आई होप आप सब भी ट्राई करेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करना, आप सबको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, और रेसिपी के साथ, और ब्लॉग के साथ, और सॉन्ग के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।